आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून में भी देर रात से ही तेज बारिश के चलते सड़कों में जलभराव और नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में भी बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पत्नी ने पति पर लगाया मारपीट और बेटी को बाल्टी में डुबोकर मारने की कोशिश का आरोप, केस दर्ज। हल्द्वानी में एक पत्नी ने पति पर मारपीट और बेटी को बाल्टी में डुबोकर मारने की कोशिश का आरोप जड़ा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुमाऊं महोत्सव में झोड़ा चांचरी में जमकर थिरके पूर्व सीएम हरीश रावत। अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव की धूम मची हुई है। महोत्सव में देश प्रदेश सहित स्थानीय कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा की प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी महोत्सव में मंच पर झोड़ा चांचरी पर नृत्य किया। अपनों के ही निशाने पर कांग्रेस नेता, सरकार की नीतियों पर सवाल न उठाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों का मित्र विपक्ष को लेकर रवैया फिर चर्चाओं में है। इस बार पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने अपने बड़े नेताओं पर धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेसी दिग्गजों पर निजी हित के कारण ऐसा करने की तरफ भी इशारा किया। पड़ोस में रहने वाली महिला से घर में घुसकर की छेड़छाड़, आरोपी युवक गिरफ्तार। रुद्रपुर के दिनेशपुर में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मूसलाधार बारिश से उफान पर आई बरसाती नदी, एक बच्चा बहा, दो का रेस्क्यू। देहरादून के ऋषिकेश से बारिश के कारण चंद्रभंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक बच्चा बह गया, जबकि दो बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। कल सुबह फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। पहाड़ी समाज और महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी, देहरादून पुलिस ने झारखंड के युवक को दबोचा। पहाड़ी समाज और पहाड़ की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर देहरादून पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी उत्तराखंड से भागने की फिराक में था। सुर्खियों में नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष दुष्कर्म के आरोप पर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। केदारनाथ धाम को लेकर नए रास्तों की खोज तेज, तलाशे जा रहे वैकल्पिक विकल्प, भविष्य में आसान होगी यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भविष्य में केदारनाथ यात्रा आसान होने वाली है। दरअसल 4 सदस्यीय दल ने त्रिगुणी नारायण, गुमसुड़ा, गरुड़चट्टी, केदारनाथ, लगभग 14 किलोमीटर नए वैकल्पिक पैदल ट्रैक की खोज कर ली है। अधिकांश भूभाग मखमली घास से आच्छादित है। नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद चमोली में बिगड़े हालात, नंदानगर में बवाल, दुकान में तोड़फोड़, सीएम से लिया संज्ञान। घुड़दौड़ी कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों को बांटा कानूनी ज्ञान। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में शिविर आयोजित कर आम लोगों को विधिक सहायता, कानूनी ज्ञान और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में नैनीताल हाईकोर्ट के जज मौजूद रहे। केदारनाथ के लिए एडवांस बुकिंग फिर से शुरू, हेली सेवा अक्टूबर तक कुल 11 लाख पार हुआ श्रद्धालुओं का आंकड़ा। केदारनाथ यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। दरअसल धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जिला प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटा है। शख्स ने बिजनेस पार्टनर पर लगाया 16 लाख हड़पने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत। हरिद्वार के रुड़की में व्यक्ति ने साझेदार पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर रुपए वापस दिलाने की मांग की है। हरिद्वार लूटकांड के साथ अवैध माइनिंग पर हरदा का सोशल पोस्ट, खनन बाबा को भी घेरा। हरिद्वार लूटकांड पर हरीश रावत ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही हरीश रावत ने खनन को भी लेकर धामी सरकार को घेरा। उत्तराखंड में सरकार गिराने के बयान पर बवाल, तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्री की तलख टिप्पणी, सदन की गरिमा पर सवाल। हाल ही में गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की ओर से सदन के भीतर 500 करोड़ रुपए से सरकार गिराने
के बयान दिए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता इस मामले पर जोर देते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके दिग्गज भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लालकुआ में भाजपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज, विधवा को परमानेंट नौकरी का झांसा, सालों किया शारीरिक शोषण। उत्तराखंड में 6 लाख से ज्यादा बच्चों की सेहत का ख्याल, फर्टिफाइड राइस और मिल्क से मिल रहा पोषण। शक्ति नहर में कूदा 16 वर्षीय किशोर, अभी तक नहीं चला पता। विकासनगर में एक 16 वर्षीय किशोर शक्ति नहर में कूद गया। सूचना मिलने के बाद SDRF और जल पुलिस ने मौके पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन किशोर का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया।